एयरपोर्ट गीला है इसलिए अपन का लैंडिंग डिले है। अब बात चल रही है गरीबी की, तो हम लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं फोटो लेने के, इनने सीधा बटन दबाया यहाँ पे टिंग। समझ गए ना, मैं ऑडी के लिए आया हूँ। देखो वाले पोटी बीफ, पोटी चावल एंड स्पिली। क्या क्या पोटी? पोटी चावल। सर दुनिया बड़ी जोखिम में है। आप एक इंसान हो जो दूसरों को लव एडवाइस दे रहा है। वही मैं सोच रहा हूँ। क्या ऑर्डर करोगे आप? आपके लिए मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। कुछ ज़्यादा हैवी लंच नहीं हो गया बिजनेस क्लास में आज? अगर उन्होंने यही देख के हमें भगा दिया तो बहुत बड़ा कटेगा भाई। एक तो सीट से सीधी है, ऊपर से बोले कि काजू का और बगैर जूस पीना, पी लो कोक भी नहीं पी लो। जूस में भी टमाटर का जूस, सूप होता है, सूप होता है, इनको यही नहीं पता। ठंडा देते ना जूस बोलते हैं। ये है यूरोप का बिजनेस क्लास, ये है लंच, ये है ड्रिंक और ये है बिजनेस क्लास बाय हैविंग वन सीट वेकेंट इन द सेंटर। अल्ट्रा लग्जरी इकोनॉमी क्लास। ये तो मेरी ट्रिक है जिससे मैं ऑलरेडी बीच के बंदे को गायब कर देता हूँ। मेरा क्या फ़ायदा हुआ उसमें बैठ के? आपकी ट्रिक यहाँ काम ही नहीं करी, पैसे देने पड़ गए। अब लग रहा है थोड़ा बहुत बिजनेस क्लास। आलू ऑर्डर किया हमने, आलू। गुड मॉर्निंग, आप जब सो रहे थे तो आपका मैंने बहुत प्यारा बीरोल निकाला है विद साउंड इफेक्ट्स। मैंने परसों मेरी बीवी का निकाला। क्या बात है, चेन रिएक्शन कल कोई मेरा निकालने वाला है। अच्छा सुनो ना, आप प्यासे लग रहे हो, पानी पी लो प्लीज। सर मैंने इतने प्यार से पानी मांगा उससे, मैंने ये दबाया और वापस बंद भी मैंने किया। मैंने कहा तेरे हाथ ना दुखे, ऐसे पीते हो पानी ले। हरामी स्पार्कलिंग वाटर ले आया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो कोको कोला का फ्लेवर भी डाल दो। क्या पानी खिलाते हैं, क्या चलता है यहाँ पे? स्पार्कलिंग स्टील है। अरे एक टाइप का पानी दो, स्टिल ऑफ स्पार्कलिंग। अरे पानी पीना है यार, आदमी को नलके से निकाल के दे जब जाए। नलके से भी स्पार्कलिंग आता होगा। नहाते भी ये लोग स्पार्कलिंग पानी से, तभी बू आती है। विंडो खोल के थूक दो। सच बताओ, अगर शोले का ठाकुर ऐसी हरकत करता तो चल जाता। हाँ यार, शोले के ठाकुर को जस्ता दिए, चलो कर ली। बट यार आपने तो वो वाली बात कर दी यार, हैव यू सीन दैट? बोले कि इसके पीछे मैं सरिया घुसाऊंगा, इसका आगे वाला जीरा ठंडा गर्म कर देना। मतलब तो गर्म क्यों? ताकि निकाल ना पाए। फिर वो तो डालेगा कैसे? सरिया तो गर्म होगा, डालेगा कौन? तो आप मोबाइल करते हैं, ठाकुर जो है उसके हाथ नहीं है तो उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता, तो मोबाइल का भी क्या करेगा वो? सही बात, सही बात, सही बात। इतना इंटरनल जोक है, ऑडियंस को घंटा समझ में नहीं आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं पूरे जोक की हिस्ट्री, प्लीज सब्सक्राइब टू गगन्स ओनली फैंस। अकाउंट कंटेंट आप शूट कर ही रहे हो। किधर गई आपकी गिल्ली डंडी? ऊपर कैसे पड़ी? कौन सी वाली? डिटैचेबल है। सुनो, यहाँ पे ना प्राइवेसी नाम की चीज होती है। सब शांत चुपचाप बैठे हैं पूरे बिजनेस क्लास में, अपन दोनों बकचोदी लगा रहे हैं। एयरपोर्ट गीला है इसलिए अपन का लैंडिंग डिले है। गीला नहीं है सर, चिकना है। अरे भाई, तो ये लोग वो स्टडी टायर्स क्यों नहीं लगा देते? प्लेन के टायर स्टडीड क्यों नहीं होते? रिसर्च करूँ मैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, एकदम ऑलमोस्ट रनवे के नीचे रखो, लगभग 200 फीट, और फिर सब लोग ये चेक कर लें। एग्जैक्टली। अरे कुछ हो जाए, स्कूल उतार के जाना है आपने को, टाइम पे जाना है। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा इंतज़ार। नहीं बोला। क्या स्पीड चल रहा है? स्पीड 234 232। इससे तेज तो अपन चलाते हैं। इस ठंड में उतर रहे हैं, ओह माय गॉड, आई हैव माय शूज, आई हैव नो ट्रैक्शन ब्रो। अभी ही मुझे इतनी ठंड लग रही है, फ्रीज हो रहा हूँ मैं, फ्रीज। अब बात चल रही है गरीबी की, तो हम लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं फोटो लेने के,
पेन ने सीधा बटन दबाया यहाँ पे, टिंग, सब रिकॉर्डिंग होगी खत्म, फिनिश, ओवर। बिना 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 बटन के बोलता हूँ अगर हे बेटा तो भी हो जाता है। ओह माय गॉड, क्या बात है, हे बेटा बच के रहना पड़ेगा। जॉनी भैया का बैग नहीं खुल रहा, क्या हुआ जॉनी भैया, थोड़ा प्रेशर डालो ना। अरे बर्फ बर्फ नहीं है, इतनी गर्दी यहाँ पे, पॉश एक्सपीरियंस का भी बैनर लगा हुआ है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा वॉक करना है, ये बैग को कैसे खींचूँ मैं, ट्रैक्शन ही नहीं है यार। चलो लेट्स गेट आउट, फ्लैश क्यों ऑन हो गया, थैंक यू, समझ गया ना, मैं ऑडी के लिए आया हूँ, लगेज भी फ्रीज हो गया इसके साथ। लंच की भूख लग रही है, भूख तो लग रही है, लंच करना है, डिनर करना है, ₹10 का चीज, नहीं हाउ इज इट ₹5 ब्रो, ₹5 ₹250, वो कितने टाइम हुआ कैलकुलेट करो, सर ये लूट रहे हैं, लेकिन अपने लोगों क्यों लूट रहे हैं, रियलिटी बता क्या है, वो €2 में ढाई चिप्स मिलेंगे अंदर। और नॉर्दर्न लाइट्स दिख गई यहाँ पर, ये देखो रेस्टोरेंट की लोकेशन, सेक्सी, थोड़े पेट्रियोटिक बनो, कोटा पिज्जा ऑर्डर करो, कोटा खाऊंगा मैं, उधर कोटा देखो वाले, पोटी भी, पोटी चावल एंड स्पिटी, क्या क्या पोटी, पोटी चावल। यहाँ पे आप ये खेल भी खेल सकते हो अगर मन कर रहा है। इस वॉशरूम में जेट स्प्रे कैसे है, ओह माय गुडनेस, वाटर वॉशरूम, आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने, वापस चले गए उधर, एंड यू फॉरगॉट टू गेट योर कीज, रूम कीज, रूम कीज यहीं पे खाने की जगह फेंक के आ गए। मैंने भी ऐसे ही किया है, और अभी ठंड में ना हालत जो बेहाल हो रही है। गगन ओके, एडिटर गगन का नंगा फोटो यहाँ पे लगा दो। एक ही फोटो है, जीवन पर चला उसका। आप एक और फोटो क्यों नहीं दे देते, नया बर्फ में नंगा। डोंट वरी, डीप फेक से कर लूंगा मैं जॉनी का लगा के नीचे। अरे इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़नी है, बोलो क्या हुआ। मुझे इतनी ठंड लग रही है गगन कि मैं अभी अपना पार्का निकालने वाला हूँ। वैसे आपका पार्का किधर है, आप इतनी स्टूपिड डिसीजंस कैसे ले लेते हो, साल तो अभी स्टार्ट हुआ है, आपने इतने सारे ले लिए डिसीजन, अगले 11 महीने क्या करूंगा। क्या है खास बात यहाँ पे पता है, जेट किंग स्प्रे ब्रो, every hotel, every place in Finland. Really? ऐसा क्यों? Yes. ये है, मतलब this, they're very connected to their roots. पहले आप बोलते मुझे, अगर मैं जो पहले बोलते ना, तो मैं पूरी 4 दिन का कोटा करके नहीं आता। फाइनली रूम पहुंच गया हूं मैं, और सबसे पहले आपको रूम टूर दिखाता हूं। मेरा रूम इधर है, गगन का रूम इधर है, वी आर नेबर्स, मेरे सामने वाली खिड़की में जॉनी भैया रहते हैं। एनीवेज, लेट्स टर्न ऑन द लाइट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग रूम है, मैं बताऊं क्यों। देखो नॉर्मली सब कुछ तो होता ही है, बिस्तर दे दिया है, मतलब लाइट्स राइट्स ये सब तो है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउडी ने दी है एक मंकी कैप, और ये क्या है, आई थिंक ये नेम टैग है, लेटर वेलकम, थैंक गॉड इन्होंने ग्लव्स दे दिए, वैसे मैं ग्लव्स तो लेकर आया हूँ, और ऑडी का ये बैग जो काम आएगा, वैसे मैं बैग भी लेकर आया हूँ। इस बार व्यू अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि रात हो गई है, स्नो नो दिखती है। पेप्सी दे दिया मैंने, सोडा छोड़ दिया भाई, वापस ले लो, एंड ऑब्वियसली टीवी वगैरह, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहाँ है, हम जब यहाँ पे आएंगे, आई थिंक मुझे कोई लाइट ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट ऑफ हो गई है, ऑन हो जाओ। हाँ ये है वॉशरूम, सॉरी ये है जहाँ पे आप वो करते हो, और सबसे खास बात क्या है पता है, यहाँ पे जेट स्प्रे है, क्या बात है, तुमने जेट स्प्रे देखी, मेरा दिल जीत लिया। एनीवेज किचन दिया हुआ है, वैसे मैं खाना तो बनाता नहीं, अब बना लूंगा, और ये है बाथटब, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आपको मिलता है शावर, बट द बिगेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इज दैट दिस रूम, और बिकॉज दिस इज अ सुइट, इट आल्सो हैज अ सोना, आपका खुद का एक पर्सनल सोना भी है। यार काफी गर्म हो रहा है, ये किस लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट व्हाट अ फ्रीकिंग क्रेजी थिंग, मैं कितने सारे होटल में रुक चुका हूँ, कभी मैंने सोना नहीं देखा अपने रूम में, और एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या चीज है, ये आई थिंक ड्रायर है, इधर अगर अपने कपड़े सुखा लो, ठंडे हो रहे हैं, खुद बैठ जाओ अंदर, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वीडियो शेड्यूल करते हैं, फिर डिनर के लिए शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं।
ये मेरा चुरा लिया गगन, अपना जैकेट नहीं लेकर आया। थैंकफुली मैं दो तीन जैकेट लाया हूं भाई को, मैंने एक जैकेट दे दिया। गाड़ी अटकी, ट्रैक्टर आया और पंच कर दिया कार। अटक गए और जोश में आओ।